A1 हॉस्पिटल डॉक्टर बी एकेश चंद्र MBBS MD पीडियाट्रिक बाल्य एवं शिशु विशेषज्ञ। हमारा पता है सोनकर सिटी LIC ऑफिस के पास बिलासपुर रोड मुगेली। मोबाइल नंबर 7999875001। खबर है राजनांदगांव जिले के छुई खदान क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ठाकुर टोला का, जहां पर नवीन उप धान खरीदी केंद्र का भूमि पूजन किया गया। साथ ही साथ ठाकुर टोला सिंगारपुर लमरा पहुंच मार्ग, जिसकी लागत लगभग 4,86,00,000 रुपए की है, उसे स्वीकृत किया गया। और इसके साथ ही 3,00,000 का सामुदायिक शौचालय, 5,00,000 वन संसाधन केंद्र व शाला परिसर में 3,00,000 शौचालय निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता राजेश पाल ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, माटी पुत्र छत्तीसगढ़ के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आत्मा गांव में बसती है और गांव अंचलों की समुचित विकास के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है। गांव के विकास को ध्यान में रखकर 6 अक्टूबर को धरसा विकास योजना लागू करने से ग्रामीणों को मूलभूत समस्याओं से निजात मिलेगी। जब गांव से अपने खेती बाड़ी, कोठार, माता देवाला, तालाब, गौठान और अन्य जाने वाले कच्चे रास्ते को हम धरसा रोड कहते हैं। अधिकतर गांवों में धरसा को विकसित करने की जरूरत है, जो पिछली सरकार ने 6 वर्ष पूर्व बैन कर दिया था। मिट्टी मुरुम WBM का कार्य नहीं होने की वजह से धरसा रोड जर्जर व विलुप्त हो रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने धरसा विकास योजना लागू किया है। ग्रामीणों को धरसा रोड पक्के बनने से कृषि व अन्य कार्य में सहूलियत होगी, जिसका लाभ ग्रामीणों को ही होगा। इसके अलावा श्रीमती पॉल ने केंद्र सरकार के 3 काले कानून को किसान विरोधी बताया, जिसमें किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर व कर्मचारियों की आजीविका पर क्रूर हमला, जिम्मेदारी न दिखाकर किसानों को जमींदारी प्रथा के घेरे में ला रही है, जिसमें प्रथम है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू की आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान। दूसरा बिल है संवर्धन और सुविधा। इस बिल में किसान और व्यापारियों को मंडी से बाहर अनाज बेचने की आजादी होगी। तीसरा बिल है सशक्तिकरण व संरक्षण। इस विधेयक बिल में किसान बड़े व्यापारियों और कंपनियों से अनुबंध के जरिए खेती बाड़ी के विशाल भूभाग पर ठेका आधारित खेती कर सकेंगे। यह 3 काले कानून से केवल उद्योगपति व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने लाया गया है, जिसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार के विधेयक बिल वापस लेने की मांग की गई है। वहीं जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीना ताम्रकार ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हुए माननीय विधायक से चर्चा कर समाधान करने का आश्वासन दिया। जनपद उपाध्यक्ष ललित महोबिया ने कहा, मंडी खोल को पर्यटन स्थल बनाने की मांग करने की बात कही। जनपद सदस्य श्रीमती रमला साहू ने क्षेत्र में पानी की विकट समस्या की बात कही, जिससे कृषि कार्य में सुचारू व सुविधा हो। इस मौके पर प्रमुख रूप से राजेश पॉल, हेमंत वैष्णव, राज ठाकुर, गुलशन तिवारी, कैलाश शर्मा, रोहित सिंह, पुलस्त्य, राधा मोहन दास वैष्णव, शुभम शर्मा, गौकरण, रिंकू पांडे, मोहित रजक, तहमीद कादिर, दिनेश बोरकर, दिनेश साहू, परमात्मा गोवर्धन मंडावी, संतोष सेन, इसके अलावा भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। राजनांदगांव के छुईखरान से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।